आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन के एपिसोड 39 को, और ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है एक नोवेल बेस्ड है। और साथ ही इस एपिसोड का जो पहला पार्ट है वो मैंने अपने सेकंड चैनल देसी मसाला एनीमे पे अपलोड कर रखा है, और अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 100K की बहुत ज्यादा पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा की आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस की मदद से हैंगपैंग को हरा दिया था, पर जब एंग्री बुद्धा लोटस वहाँ पे फूटा था तो ग्रीन लोटस फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम चारों तरफ फैल जाती है और उसको फॉलन आर्ट फ्लेम खा लेती है, जिस वजह से जो फॉलन आर्ट फ्लेम होती है फिर से वो पाइथन की बॉडी में आ जाती है और वो जियान के पीछे पड़ जाती है, और वहीं पे जो एल्डर थे वो फिर से सील्ड को बनाने लगते हैं, पर सील्ड बने उससे पहले फर्स्ट एल्डर सभी को रोक देते और बोलते कि तुम सभी लोग फॉलन आर्ट फ्लेम को रोको, मैं अकेले सील्ड को बनाऊंगा। पर उससे पहले जियान को सील्ड की रेंज से बाहर आ जाने दो, क्योंकि अगर वो सील्ड के अंदर रह जाता है तो फिर वो बाहर नहीं आ पाएगा। और ये बात वो जियान से बोलते तो जियान भी अपनी बची हुई पावर को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर जो फॉलन आर्ट फ्लेम का पाइथन था वो हाथ धो के जियान के पीछे पड़ चुका होता है और जियान के ऊपर हमला करने लगता है। तो जियान भी उसके सारे हम लोग को बहुत ही आसानी से डॉच करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, और जियान ऑलमोस्ट निकलने वाला होता है, वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं अपनी पूरी पावर लगाकर शील्ड को बनाने लगते हैं, और वहीं पे जो फॉलन आर्ट फ्लेम का पाइथन होता है जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी फ्लेम से, और जियान उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता और जियान की जो पावर थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वो जलता हुआ नीचे गिरने लगता है। ये देख के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, और वहीं पे जो जियान था उसको भी लगने लगता है कि उसका आज आखिरी दिन है, इस वजह से वो बोलता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपका बदला नहीं ले पाया और ना ही मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन कर पाया, इस वजह से आप कोई दूसरे स्टूडेंट को ढूंढ लेना। और फिर फॉलन आर्ट फ्लेम का पाइथन आता है और वो जियान को खा जाता है। ये देख के सभी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वहीं पे जो जियान के दोस्त है वो तो रोने ही लगते हैं, और उसमें हमारी प्यारी छोटी सी जिया भी होती है जो कि रो रही होती है जियान के लिए, और वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर थे वो भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, पर उनको गुस्सा भी काफी तेज आ जाता है, जिस वजह से वो बोलते हैं जिया ने हम सभी के लिए अपनी जान को दे दिया, इस वजह से मैं शपथ लेता हूँ इस फॉलन आर्ट फ्लेम को जीते जी तो मैं कभी भी बाहर नहीं निकलने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और वहीं पे जो जियान नाम है वो पूरी इनर अकेडमी के अंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और वहीं पे जो फॉलन आर्ट फ्लेम को पाइथन तो बाहर निकलने की कोशिश करने लगता तो एल्डर उसे रोक लेते, और वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो अपना थोड़ा सा ब्लड निकालते और उसे एक फॉर्मेशन सील्ड बनाने लगते हैं, और इस बार की जो सील्ड होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से फॉलन आर्ट फ्लेम होती है वो उसे नहीं तोड़ पा रही होती है, और तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो सील्ड कर देते ट्रेन टावर के अंदर फिर से फॉलन आर्ट फ्लेम को, और इसमें जो फर्स्ट एल्डर थे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वहाँ पे कोई भी खुश नहीं था फॉलन आर्ट फ्लेम को हराने के बाद भी, क्योंकि सभी के सभी जियान को लेकर काफी ज्यादा सैड थे। और फिर ऐसे एक महीना बीत जाता है और जो इनर अकेडमी थी अब वो फिर से नॉर्मल हो चुकी होती है, और यहाँ पे जो ट्रेन टावर के आसपास का माहौल था वो भी शांत हो चुका होता है, तभी हमें फिर से दिखाया जाता है ट्रेन टावर के अंदर, और यहाँ पे जो लावे के अंदर फॉलन आर्ट फ्लेम होती है, पर वहीं पे हमें दिखाया जाता है जियान को भी जो कि काफी ज्यादा जल चुका होता है और वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके आगे की जो स्टोरी है वो एपिसोड 40 के अंदर आएगी, और उसमें हमें दिखाया जाएगा जो हमारे मास्टर वो जियान को बचाने के लिए अपनी सारी पावर यूज कर लेते हैं, जिस वजह से जो मास्टर होते हैं वो डीप स्लीप के अंदर चले जाते हैं, और फिर मास्टर के जाने के बाद जो जियान की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होने लगती है, और साथ ही जो हैवी सॉइलिंग पाइथन होता है वो भी बाहर आ जाता है, और यहाँ पे जो हैवी सॉइलिंग पाइथन होता है वो भी ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता तो वहाँ पे क्यून मेडुसा आ जाती है, और फिर जो कुछ होता है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर मैं चाहता ये छोटी सी नोवेल उसी वीडियो के अंदर ऐड कर देता और काम खत्म करता, पर मैंने ये वीडियो थोड़ी सी कुछ पूछने के लिए बनाई, क्योंकि आप लोग जानते हो एपिसोड 40 का आप लोगों ने प्रीव्यू देखा होगा जहाँ पे जो क्यून मेडुसा होती है उसके कपड़े जल जाते हैं, पर अंदर क्यून मेडुसा ने नाइटी पहन रखी है वो नहीं जलती भाई, जो क्यून मेडुसा ज्वेलरी वगैरह पहनती थी वो सब कुछ जल गई पर नाइटी नहीं जली, मतलब कुछ भी। पर चलो ये तो एपिसोड है जिसके अंदर खुल्लम खुल्ला तो नहीं दिखा सकते सब कुछ, पर मेरी मेन प्रॉब्लम है नोवेल, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, वहाँ पर ऐसी सुपर पावर वाली नाइटी नहीं है, वहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला है, वहाँ पर जो कपड़े जलते तो वहाँ पे कुछ नहीं बचता है। तो मैं बस ये जानना चाहता कि मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए या फिर नोवेल में जो है वही चलना चाहिए। और हाँ, जो कांड होने वाला है वो एपिसोड 40 के अंदर नहीं होगा, वो एपिसोड 41 के अंदर होगा, और आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो कि मुझे किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो जल्दी से, उसके 100K करा दो, क्योंकि अब मुझे कंट्रोल नहीं होता और वहीं पे जियान को भी अब कंट्रोल नहीं होता क्यून मेडुसा को देखने के बाद। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।